आकाश विजयवर्गीय ने आवाम की लड़ाई लड़ी है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के इशारे और दबाव के चलते उन पर प्रकरण दर्ज करवाया गया। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान किसी भी कांग्रेसी नेता के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। भाजपा अब लगातार प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करेगी, ये कहना है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का। खबरबांड न्यूज के एडिटर इन चीफ अरशद खान से बातचीत के दौरान उन्होंने आकाश विजयवर्गीय को एक सौम्य स्वभाव वाला नेता बताया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती जी, जो विधायक भी रह चुके हैं। ये जो पूरा मामला हुआ है आकाश विजयवर्गीय वाला, इसमें पल पल वो उनके साथ थे और अब तक वे इस धरने तक उसमें शामिल हुए। हम पूरी जानकारी उनसे लेंगे। अब जब ये घटना घटी थी, इसकी सूचना आपको मिली थी और आप मौके पर पहुँचे थे, आप MG रोड थाने पर भी थे, वहाँ से जितनी भी कार्रवाई हुई, विवाद हुआ, सब तरह की चीज़ें हुई, क्या पूरा घटनाक्रम था, संक्षिप्त में जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, मैं ये बात सही है कि मैं थाने से आकाश जी के साथ में था और थाने तक जब मैं पहुंचा और घटना की जो मैंने जानकारी ली, वो जानकारी घटना की इस तरह से आई है कि वो क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उन्होंने निगम कमिश्नर से बात करना चाहिए, उन्होंने उपायुक्त से बात करना चाहिए, उन्होंने निगम के और भी अधिकारियों से बात करना चाहिए। इसलिए बात करना चाहिए कि जिस मकान को वो खतरनाक बता करके तोड़ रहे थे, वो मकान इतना खतरनाक नहीं था और उस मकान में रहने वाले उनके क्षेत्र की जो जनता थी, वहाँ की महिलाओं ने उनसे जाकर के आग्रह किया कि भैया ये हमें 5-7-8 दिन का समय दे दें, अगर इनको लगता है कि खतरनाक है, हम तो 40-30 साल से किराएदार हैं। उस पूरे उस कार्यक्रम के पीछे बात कुछ और ही थी। वो मकान किसी, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी बड़े कांग्रेस के नेता ने खरीद लिया, नगर निगम के साथ मिलकर के उसको नेस्तनाबूद करके वहाँ पर एक प्लाट हो जाएगा ताकि उससे वो लाखों करोड़ों रुपए कमा सके। वो गरीब लोग इस भरी बारिश में बेघर हो जाए, उनको बचाने के लिए आकाश जी ने जो उनका कर्तव्य था, जो उनका धर्म भी था, उसकी उन्होंने पूरी की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए सब लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन उनका किसी ने तवज्जो नहीं दिया, किसी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने नहीं लगता है कि महापौर को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए था। निगम आयुक्त ने उनका फ़ोन नहीं उठाया, ZO ने उनकी बात नहीं सुनी, क्या महापौर की भूमिका होना चाहिए, क्योंकि परिषद भाजपा की है और महापौर जो निर्देश देती है वही काम होता है, निगम आयुक्त को भी वही बात सुनना होती है। निश्चित रूप से आप ठीक कह रहे हैं और कल महापौर जी ने ये कहा भी सही कि आकाश जी ने मुझसे बात नहीं की, अगर वो मुझसे बात करते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी। निश्चित रूप से आकाश जी को महापौर जी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन हालात और परिस्थितियां जो निर्मित हुई वो तात्कालिक हुई और उन तात्कालिक हालात और परिस्थितियों में ये हुआ कि उनकी बात नहीं मानी गई। एक जनप्रतिनिधि ये चुना हुआ विधायक है, पहली बार का विधायक है, इतने हजारों मतों से चुनाव जीत करके वो विधानसभा में पहुँचे हैं, उनका धर्म और उनका कर्तव्य दोनों है और अपने कर्तव्य पर वो साबित से सही सिद्ध होने के लिए वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उन कर्मचारियों को कहा कि आप कमिश्नर से बात कर लीजिए, आप अपने अधिकारियों से बात कर लीजिए, आप इनको मोहलत दीजिए। अब उस बीच में उनके साथ जो विवाद हुआ, बहुत गंदे तरीके से उस अधिकारी ने, जो भी वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने उसको अपशब्द सरीके कहे, कुछ उनके बाउंसर लोग जो हैं उन्होंने उनके साथ अभद्रता की, धक्का मुक्की करने का प्रयास किया। उसके बाद आकाश वहां से चले जाते हैं, जाने के बाद उनके 10-15 कार्यकर्ता उनके साथ में होते हैं। जी, एक जानकारी और लेना चाहूँगा, क्योंकि परिषद BJP की है और सारे नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी महापौर जी के अधीन ही आते हैं, तो क्या ऐसा दबाव या ऐसी कोशिश या ऐसे प्रयास नहीं किए गए कि अपने BJP के विधायक और कार्यकर्ता के खिलाफ जो FIR दर्ज करवाई जा रही है अधिकारी द्वारा, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया गया? देखिए, इसी के खिलाफ आज ये आंदोलन और धरना था और कई सारे हम चरणबद्ध आंदोलन कार्यक्रम करेंगे। आप कल्पना कीजिए कि इसके पूर्व में नगर निगम की परिषद चल रही है, परिषद के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता और गुंडे घुस करके भरी परिषद में, संवैधानिक एक संस्था है नगर निगम, जहां पर 5,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों पर चर्चा होने की थी, अंतिम बजट पेश हुआ था, उसकी चर्चा में इन लोगों को भाग होना था, लेकिन बाहर के लोग जो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, जो पार्षद नहीं है, जो विधायक नहीं है, वो जाकर के वहां पर कोहराम मचाते हैं, कांग्रेस के झंडे ले रहते हैं, टेबल कुर्सियाँ फेंक देते हैं, MIC सदस्य। मेरा सवाल ये नहीं था धीरज जी, मेरा सवाल ये था कि महापौर जी का क्या दायित्व नहीं बनता था कि उस अधिकारी को समझाई देते कि के पार्टी के विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करें? मैं वहीं आ रहा हूँ, वो महापौर सिर्फ इंदौर की है भैया, इस प्रदेश में शासन कांग्रेस का है, ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी भी नहीं हुआ। जैसे ही कांग्रेस का शासनकाल आया, पूरा का पूरा कांग्रेसीकरण प्रशासनिक अधिकारियों का हो गया, चाहे वो थाने का TI हो, चाहे वो नगर निगम का कमिश्नर हो, जिस तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही है, इससे सीधा स्पष्ट होता है कि इस तरह के कार्य इनके संरक्षण में हो रहे हैं। महापौर भारतीय जनता पार्टी के ना, उनको उसी दृष्टि से देखेंगे और महापौर खुद दुखी और परेशान है। महापौर जब उनकी संस्था के ऊपर धावा बोला गया, जब उनके ऊपर हमला किया गया,
तो चार घंटे तक महापौर नगर इस इंदौर जिले के सांसद और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सारे लोगों ने जाकर के चार घंटे धरना देना पड़ा उन गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। लेकिन एक जनप्रतिनिधि को जो फरियादी बनकर के उन गरीब लोगों के लिए गया उसको थाने से अरेस्ट कर लिया जाता है, कोर्ट भेज दिया जाता है और जेल ठूस दिया जाता है। ये बेसिक अंतर है, ये बड़ा अंतर है, ये अंतर नहीं, ये बड़ा षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और ये जुल्म हम होने नहीं देंगे। जनता की हक की लड़ाई के लिए अगर हमको जेल जाना पड़ा, फांसी पर भी अगर चढ़ना पड़ा, तो उसकी हमको चिंता नहीं है। लेकिन जनता के बीच में ये जाना चाहिए, जिस तरीके से आकाश का वो बेट घुमाते हुए वो जो प्रदर्शित करने का प्रयास, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद कल निगम के कर्मचारी अधिकारी सारे के सारे कमिश्नर साहब को वो ज्ञापन देने के लिए गए। भाई किसके खिलाफ ज्ञापन देने गए? अगर आकाश विजयवर्गीय ने जुर्म किया था, अगर उन्होंने गलती की थी, तो माननीय न्यायालय ने उनको जेल भेज दिया है। अब किस बात की आप कर रहे हैं? अब आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब आप षड्यंत्र कर रहे हैं और आप ऑन ड्यूटी हजारों की संख्या में उन सारे के सारे कर्मचारियों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उनकी नौकरी जाना चाहिए कि वो ऑन ड्यूटी वहां पर कैसे पहुंचे, किसने अधिकार दिया था। बेल तो इंदौर से मिलने वाली नहीं है, भोपाल चला गया पूरा मामला। क्या उम्मीद है आपको, क्या सोमवार को या कल या आज ऐसी कोई घटनाक्रम घटेगा जिसमें आकाश विजयवर्गीय को बेल मिल सकती है? देखिए, हमें बेल की चिंता नहीं है, ना मुझे चिंता है, ना भारतीय जनता पार्टी को चिंता है, ना आकाश विजयवर्गीय जी को चिंता है। हमें बेल की चिंता नहीं है, हमें चिंता है न्याय की। उन गरीब लोगों को क्या न्याय मिलेगा? क्या आप किसी का घर बिना नोटिस दिए तोड़ सकते हैं? एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अगर शहर से सारी झुग्गी बस्तियां मुक्त करने का संकल्प लिया था, तो बड़ी बड़ी अलीशान बिल्डिंगें बना करके उन गरीब लोगों को पहले वहां पर स्थापित किया था, उसके बाद उनको हटाया गया था। जो लोग सालों से 30 साल से 40 साल से वहां पर किराया दे करके रह रहे हैं, आप ऐसे कैसे उनका घर तोड़ करके उनको या तो आप स्थापित करने की कोई व्यवस्था करो। ये तो अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ ही आकाश विजयवर्गीय जी ने लड़ाई लड़ी थी, जिसका परिणाम ये निकला कि उस एक बेहतरीन जनप्रतिनिधि को, इस भोले भाले लड़के को जेल की हवा खानी पड़ रही है और आज वो जेल के अंदर एक सामान्य कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। हमें चिंता नहीं है कि आकाश को जेल हो गई, वो यहाँ की जेल चले जाए, भोपाल की जेल चले जाए, मुझे जेल में डाल दो, पूरी भाजपा को जेल में डाल दो। इसके पहले भी आपकी सरकार ने और इंदिरा गांधी जी ने यही किया था। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम लोकतंत्र की हत्या हो जाने देंगे। हम लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत से इन ताकतों से लड़ेंगे और हर गरीब को, हर उस व्यक्ति को जिसको न्याय की आवश्यकता, उसको न्याय दिला करके ही रहेंगे। धन्यवाद। हमसे बात कर रहे थे प्रदेश के भाजपा उपाध्यक्ष जीतू जाति जी, जिन्होंने कहा कि प्रदेश ही ने प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए लड़ाई लड़ेगी बीजेपी, चाहे उन्हें या पूरी भाजपा को जेल में क्यों ना डाल दिया जाए। कैमरा पर्सन मयूर साहू के साथ अर्शद खान, खबर पांड, इंदौर।